ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम 10वीं कक्षा हिंदी द्वितीय भाषा लोक भारती कक्षा 10वीं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे के अंतर्गत जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है, उस बोर्ड एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है यानी कृति पत्रिका का जो आराखड़ा है, प्रारूप है, उस प्रारूप के बारे में इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में हम जानने वाले हैं। नया प्रारूप आराखड़ा 2022-23 के लिए आवश्यक है कि घटक निहाय अंक विभाजन किस प्रकार कृति पत्रिका होगी हिंदी 10वीं कक्षा बोर्ड एग्ज़ाम की, उसका अंक विभाजन घटक निहाय और देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इसे अंत तक देखना मत भूलिए, क्योंकि उसके आधार पर ही आप सही तरह से सराव कर पाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी तरह से अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए, यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप ई जोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर देख रहे हैं। इस चैनल पर आपको 10वीं कक्षा के सभी विषयों के और 12वीं कक्षा के सभी विषयों के बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फर्स्ट यूनिट टेस्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट के सभी लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर पेपर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो भी उत्तरों के साथ। तो चलिए, आज हम प्रारूप यानि ब्लूप्रिंट हिंदी का देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले जानने वाले हैं, अंत तक देखना मत भूलिए, लोक भारती अंक विभाजन विभाग 5, कुल 5 विभागों में आपकी कृति पत्रिका का प्रारूप होगा। विभाग 1 गद्य होगा, जो कि कुल 20 अंकों के लिए उस पर कृति पूछी जाएगी। उसके बाद विभाग 2 पद्य, कुल 12 अंकों के लिए पद्य पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद विभाग 3 में पूरक पठन में 8 अंकों के लिए कृति दी जाएगी। उसके बाद विभाग 4 में भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के आधारित, व्याकरण पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं या कुछ कृति पूछी जाती है, तो वह कुल 14 अंक के लिए और विकल्प 6 अंक होंगे, यानी कुल 20 अंकों के लिए कृति पूछी जाएंगी। उसमें से आपको 14 अंक के लिए लिखना आवश्यक होगा। उसके बाद विभाग 5 में रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन सबसे महत्वपूर्ण यह विभाग होता है, जिससे 26 अंकों के लिए आपको कृति पूछी जाएगी। उस पर 24 अंकों के लिए विकल्प भी दिया जाएगा, यानी कुल 80 अंकों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम पेपर रहेगा और 20 अंकों के लिए आपको यानी ओरल एग्ज़ाम के लिए यानी स्कूल इंटरनल मार्क्स होंगे। तो 80 अंकों के लिए आपको किस तरह होगी, तो चलिए जानने वाले हैं। विभाग 1 में क्या पूछते हैं या कृति पत्रिका में किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, कृति पूछी जाती है। 20 अंकों के लिए गद्य विभाग होता है, उसमें प्रश्न 1 ओ में पठित गद्यांश होता है, जो कि 130 से 150 शब्द में होता है, 8 अंकों के लिए होता है। तो उसमें आकलन कृति होती है, 2 घटक दिए जाएंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक होंगे, प्रत्येक के लिए आधा अंक होगा। आकलन कृति में 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 अंकों के लिए दूसरी आकलन कृति पूछी जाएगी। 3 में शब्द संपदा में आधे आधे अंक के लिए 4 घटक पूछे जाएंगे, जिसमें होगा शब्द संपदा कृति में अनेकार्थी शब्द,
शब्द युग्म, समानार्थी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद 4 में प्रश्न 1 में जो कृति होगी अभिव्यक्ति 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना आवश्यक होगा कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद प्रश्न 1 ई में पूछा जाएगा एक अपठित गद्यांश होगा जो कि 80 से 100 शब्दों में होगा कुल 4 अंकों के लिए होगा। उसमें कृति पूछी जाएगी आकलन कृति, 2 घटक होंगे एक एक अंक के लिए या 4 घटक दिए जाएंगे आधे आधे अंक के लिए। 2 नंबर पे होगी अभिव्यक्ति 25 से 30 शब्दों में कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद विभाग 2 आता है विद्यार्थी मित्रों जो कि पद्य पर आधारित होता है और उसके लिए आपको 12 अंक के लिए कृति पूछी जाएगी। उसमें मध्ययुगीन और आधुनिक रचना का चयन करना आवश्यक होता है जैसे कि प्रश्न 2 में अ में पठित पद्यांश 8 से 10 पंक्तियों में 6 अंकों के लिए, 2 आ में पठित पद्यांश 8 से 10 पंक्तियां 6 अंक के लिए। उस दोनों में ही आपको पूछी जाएगी आकलन कृति शुरू में 2 अंक के लिए जिसमें 2 घटक दिए जाएंगे या 4 घटक। अगर 2 घटक दिए तो एक एक अंक के लिए या 4 घटक दिए गए कृति के लिए तो वह आधे आधे अंक के लिए होंगे। 2 में शब्द संपदा में अनेकार्थी शब्द, शब्दयुग, समानार्थी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। 3 में सरल अर्थ पूछे जाते हैं पद्य के 25 से 30 शब्दों में कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों विभाग 3 में पूछा जाएगा पूरक पठन पर आधारित होगा कुल 8 अंकों के लिए। इस पर कृति पूछी जाएंगी, प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 3 अ में जो पठित गद्यांश होता है 80-100 शब्दों में वह 4 अंकों के लिए होगी कृति होंगी। उसमें आकलन कृति 2, प्रत्येक अंक के लिए 1, यानी प्रत्येक के लिए 1 अंक या 4 पूछे गए तो आधे अंक के लिए प्रत्येक। अभिव्यक्ति 25 से 30 शब्दों में कुल 2 अंकों के लिए। प्रश्न 3 आ में पठित पद्यांश 6 से 8 पंक्तियों में आकलन कृति, 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। अभिव्यक्ति 25 से 30 शब्दों में। विभाग 4 में भाषा अध्ययन पर आधारित यह व्याकरण विधा होती है कुल 14 अंकों के लिए। सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है, यानी इस परिच्छेद इस विभाग में आपको कक्षा 5वीं से 9वीं कक्षा तक का जो हिंदी व्याकरण है इसमें से इसे कृतियां पूछी जा सकती है। तो शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना एक घटक एक अंक के लिए, 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना एक अंक के लिए, संधि 2 में से कोई एक पहचानना, विच्छेद करना, संधि शब्द बनाना, 2 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक यानी एक अंक के लिए, 2 में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना एक, 2 घटक प्रत्येक आधे अंक के लिए यानी एक अंक के लिए। उसके बाद 2 में से किसी एक प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना 2 घटक प्रत्येक आधे अंक के लिए यानी कुल एक अंक के लिए, मुहावरे का चयन अथवा मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग करना एक अंक के लिए, कारक पहचानना और भेद लिखना 2 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक एक अंक के लिए, विराम चिन्ह वाक्य में प्रयोग करना 2 घटक दिए जाएंगे प्रत्येक के लिए आधा अंक एक अंक के लिए,
तीन में से दो वाक्यों का काल परिवर्तन करना, दो घटक होंगे एक अंक प्रत्येक के लिए, दो अंकों के लिए। वाक्य के भेद लिखना, दो रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना, ऐसे एक एक अंक के लिए यानी कुल दो अंकों के लिए। उसके बाद वाक्य शुद्ध करना होता है, चार घटक प्रत्येक के लिए, आधा अंक दो अंकों के लिए, प्रत्येक वाक्य में दो अशुद्धियाँ दी जाएगी कुल दो अंकों के लिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है विद्यार्थी मित्रों, विभाग पाँच रचना विभाग। उपयोजित लेखन में कुल 26 अंकों के लिए यह विभाग पर कृति पूछी जाती है। कृति पत्रिका में प्रश्न 5 सूचना के अनुसार लिखिए। 26 अंकों के लिए कुल सबसे पहले और एक पत्र लेखन, उस पत्र लेखन में दो पत्र पूछे जाएंगे, दो में से एक पर आपको लिखना है औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लेखन में, और कुल 5 अंकों के लिए यह कृति पूछी जाती है। 2 गद्य आकलन होता है, अपठित गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करने हैं, 100 से 120 शब्दों में गद्य आकलन अपठित गद्यांश होता है, 4 अंकों के लिए यह कृति पूछी जाती है। उसके बाद प्रश्न 5 आ में रक्तांत लेखन होता है 70 से 80 शब्दों में, वह 5 अंकों के लिए होता है, उसके लिए अथवा यानी और होता है ग्राहणी लेखन करो। मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में आपको लिखना है, विकल्प होता है कुल 5 अंकों का। उसके बाद दूसरी कृति पूछी जाती है विज्ञापन लेखन, 50 से 60 शब्दों में आपको विज्ञापन तैयार करना होता है कुल 5 अंकों के लिए। उसके बाद प्रश्न 5 ई में आता है निबंध लेखन, 3 में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना होता है, विकल्प अंक होते हैं 14 यानी 7 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। किसी 5 प्रकारों में से किसी 3 प्रकार के विषय दिए होते हैं, विद्यार्थियों को उनमें से किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना आवश्यक होता है। आवश्यकता अनुसार प्रारूप में परिवर्तन करने का अधिकार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल को होता है, इसलिए यह 2022-23 की एग्ज़ाम में आपको किस तरह प्रश्न पत्रिका का यानी कृति पत्रिका का ब्लूप्रिंट होगा यानी प्रारूप होगा, यह हिंदी विषय का आज हमने इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखा। आप सभी को ई जोन मराठी एजुकेशन की ओर से धन्यवाद।